गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज अस 12 सिंधी जो ग्रामर टॉपिक 74 कंदासी। एक निबंध आहे राष्ट्रीय एकता या भारत में एकता की समस्या। आए हिंदी में पढ़ी समझी था वठूं तो पोए तवान के सिंधी में लिखी सको था। पॉइंट्स पहरी आन, भारत में एकता का रूप, आज की स्थिति, एकता का महत्व, एकता न होने से हानि, राष्ट्रीय एकता कायम रखने के उपाय, और लास्ट है छठा, देशवासियों की समझदारी। आइए हम इसको पढ़ के और समझते हैं। भारत विविधता में एकता प्रकट करने वाला अनोखा देश है। अलग अलग धर्मों, भाषाओं, संप्रदायों और जातियों के बावजूद भारत में सांस्कृतिक एकता का कभी अभाव नहीं रहा। भारत की भौगोलिक स्थिति भी इसे एक राष्ट्र बनाए रखने में बड़ी सहायक रही। आज तो भारत में एक लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति है, लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही शासन करता है। हमारा एक राष्ट्र ध्वज, एक राष्ट्रगीत, एक मुद्रा और एक केंद्रीय सरकार है। सारा संसार भारत को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र मानता है, स्वतंत्र देश है। आज कुछ स्वार्थी तत्व देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। धर्म, भाषा या क्षेत्रीयता के नाम पर वे देश को बांटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कश्मीर का जो है टॉपिक चल रहा है, इन देशद्रोही लोगों ने ही पंजाब में आतंकवाद को फैलाया। इन्होंने ही बरसों तक कश्मीर में हमारे भाईचारे को हानि पहुंचाई। देश के पूर्वी प्रांतों में ये ही लोग देश के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े तथा सुखी और समृद्ध देश बने। आगे है, एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। वह हमारी असली पूंजी है, वह राष्ट्र का प्राण है। सब मिलकर चलेंगे तो किसी भी कार्य में सफलता मिल सकती है। एक होकर ही हम देश की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। देश की एकता ही कृषि, उद्योग तथा विज्ञान के क्षेत्र में हमारी प्रगति के द्वार खोल सकती है। हमारी एकता की शक्ति देखकर शत्रु हम पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैरा है, एकता न होने पर भारत एक राष्ट्र होने के गौरव से वंचित हो जाएगा। एकता न होने के कारण हम सदियों तक विदेशियों की पराधीनता में जीते रहे। शकों, मंगोलों, पहले हमारे यहाँ पर ये लोग शासन करते थे भारत पर, मुगलों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों आदि ने हमारी फूट का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने यहाँ अपने राज्य स्थापित किए। उनके कारण देश खोखला हो गया। भला हो उन देशभक्त क्रांतिकारियों और नेताओं का जिन्होंने अनेक कष्ट सहकर तथा कुर्बानियां देकर इसे स्वतंत्रता दिलाई। इतिहास के सबक को हम कभी नहीं भूल सकते। नेक्स्ट पैरा है, राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए हमें छोटे मोटे झगड़े भूलने पड़ेंगे। हमें क्षेत्रवाद की भावना छोड़नी पड़ेगी। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसको हम ज़्यादा महत्व नहीं दें। क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों पर कुर्बान करना पड़ेगा। भाषावाद, संप्रदायवाद और जातिवाद को हमेशा के लिए दफनाना होगा। अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, शिक्षा आदि राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में काफ़ी सहयोग दे सकते हैं। लास्ट है, एकता तो राष्ट्र की रीढ़ है। जैसे रीढ़ जो है वो पूरे शरीर को हमको ठीक चलाती है, तो इसी तरह से एकता जो है वो हमारे
पूरे भारत देश में रीढ़ का काम है, करती है, भारत माता की शान है। इसलिए हम मिलजुल कर सहयोग पूर्वक रहें। हमें मतभेद भले हो पर मतभेद पर मनभेद कभी भी नहीं हो, हमारे मन मिले हुए हो, एकता में हो। भारत के सभी राज्य अपने को देश रूपी शरीर के अंग माने तो राष्ट्रीय एकता का आदर्श सिद्ध हो सकता है। यह टॉपिक यहाँ पूरा होता है। अभी आगे करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।